जंगल में रहने वाला शेर अगर शिकार ही ना करे तो कोई जानवर उसके सामने आके खुद नहीं बैठेगा। शेर को शिकार करनी पड़ती है क्योंकि उसे पता है कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए स्ट्रगल जरूरी है। शेर और इंसान में फर्क सिर्फ इतना है कि शेर को पता है कि स्ट्रगल उसके जीवन का एक हिस्सा है और इंसान उसे करना नहीं चाहता। आज हमें सब कुछ चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगा फोन चाहिए, पैसा चाहिए, बस एक शर्त है, हमारी नींद ना खराब हो। जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, कुछ कर गुजरना है तो खुद को जगाना होगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि हीरे को चमक तब तक नहीं आती जब तक कि उसे तराशा ना जाए। किसी सक्सेसफुल इंसान के जिंदगी में अगर झांक के देखे तो आपको दिखेंगे उसके सपने जो उसे सोने नहीं देते, उसका स्ट्रगल जो उसे हारने नहीं देता, और उसका जज्बा जो हार को भी मजबूर बना देता है उसके सामने घुटने टेकने के लिए। हम में से कई सारे लड़कों का एक सपना होता है कि जिंदगी में कभी ना कभी बस एक बार मेरे एब्स बन जाए, मगर सिर्फ सपना देखने से एब्स अगर बन जाते तो ना ही जिम्स खुलते और ना ही डाइट प्लान्स बनते। एब्स बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, वेट उठाने पड़ते हैं, दर्द झेलना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात अपनी जुबान पर काबू रखना पड़ता है। और कई बार हमें सब पता भी होता है, मगर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल करते करते जिंदगी निकल जाएगी, मगर एब्स बनाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। हम में से कईयों ने वो तोता देखा होगा जिसे बचपन से ही पिंजरे में बंद रखा जाता है, बड़ा होने के बाद उसके पर भी निकल आते हैं, लेकिन अगर उसे खुला भी छोड़ दे तो भी वो उड़ नहीं जाता। वो वही खुश होता है अपने छोटे से पिंजरे में, अपने कंफर्ट जोन में। उसे इसका एहसास ही नहीं होता कि उसका असली घर ये छोटा सा पिंजरा नहीं बल्कि ये खुला आसमान है। उसे ये पता ही नहीं होता कि इस पिंजरे के बाहर भी एक दुनिया है जो इस पिंजरे से कई ज्यादा खूबसूरत है। हम भी कई बार अपने ही कंफर्ट जोन में होते हैं जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो दूर, हमें ये तक पता नहीं होता कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो और भी खूबसूरत हो सकती है अगर इसे किसी दूसरे नजरिए से देखें। हमारे जिंदगी में भी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके साथ हम समझौता कर लेते हैं। उन प्रॉब्लम्स के साथ जीना आसान तो नहीं होता, मगर उनकी हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हम कहते हैं जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, इसे ऐसे ही चलने दो। हमें उन माहौल से, उन चीज़ों से, उन प्रॉब्लम से इतना लगाव हो जाता है कि हम खुद ही उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। हम अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेते हैं और उसमें ही जीने लगते हैं, और इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन। बंजर जमीन को अगर सींचा ना जाए, उसमें बीज ना बोया जाए, उसमें खाद ना डाली जाए तो उसमें से कभी अनाज नहीं उगेगा, उगेगी तो बस घास। वैसे ही होता है कंफर्ट जोन, दिखने में बड़ा खूबसूरत मगर उतना ही बंजर, जिसमें कुछ नहीं उपजता, उपजते तो है बस प्रॉब्लम्स। जिंदगी को अगर सही मकाम देना है तो बस एक कदम जरूरी है, अपना कंफर्ट जोन पहचानो, उसे अगर छोड़ दिया तो क्या होगा ये सोचो, एटलीस्ट उसे छोड़ने की कोशिश तो करो। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, क्यों ना इस बार अपने कंफर्ट जोन को ही खो दे, मगर एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपको इसे खोने का गम कभी नहीं होगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, वेक अप, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वन मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू। ब्रेक योर कंफर्ट जोन, इट माइट स्टॉपिंग यू टू रीच एट योर डेस्टिनेशन। Break your comfort zone, it might making you blind and becoming an obstacle in your way of success, though your destination is too close from you. We are trying to make some difference in your life. और हो सकता है कि ये वीडियो किसी और की जिंदगी में भी कुछ डिफरेंस ला सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज में आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी मोटिवेटेड एंड जय हिंद।